तो अगला सवाल हमारा, हमें गुणनखंड करना है 15x^4 + 3x^2 - 18 - 18 - 18 इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिएगा कैसे होगा। इसमें हमें दिख रहा है कि आप तीन सबके पास है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम तीन सबसे ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 5x^4 + 3 हट जाएगा x^2 - 6। ये सवाल जो इससे पहले कराया था उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या, बहुत अलग है इसका तरीका, तो आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगला स्टेप, 5x - x^4 लिख लिया मैंने ऐसे ही, और जो ये x^2 है इसे मैंने क्या लिखा, +6x^2 - 5x^2 - 6 ऐसे लिखिए। अब क्या है, देखो इस स्टेप में हमें सिर्फ कॉमन करना है, तो 5, अब इन दोनों में से देखते हैं, देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x^2 कॉमन है, तो मैंने लिख लिया x^2। यहां कितना बचा, 5x^2 + 6। दूसरे वाला ब्रैकेट लगाते हैं यहां पे, ये हो गया। आपकी किताब में यहां पे प्लस लिखा हुआ है, तो ये प्लस नहीं आना है, वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं यहां पे क्या है, दोनों में कॉमन -1 है, तो अंदर क्या बचेगा, 5x^2 - 6। क्लियर। अब पहले सवाल की तरह जो इससे पहले किया था, ये यहां भी है, ये यहां भी है, तो इसे दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 5x^2 + 6, और जो बाकी बचा वो दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, x^2 - 1। उसके बाद बाहर जो 3 था उसे भी इससे अगले स्टेप में अंदर बुला लेंगे, मतलब कि 3 अलग ब्रैकेट में हो गया, ये 5x^2 + 6x^2 - 1। तो इसको इन्होंने आपकी किताब में थोड़ा सा और खोला हुआ है, मतलब कि ये वही वाला फॉर्मूला लग गया। देखो अगर मैं लिखूं x^2 - y^2 बराबर हो जाता है x + a x - y, ठीक है, मतलब x^2 - y^2 होता है बराबर x + y x - y, ठीक है। या फिर इसे a ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने पहले a के फॉर्म में बताया था, जैसे कि a² - b² बराबर होता है a + b a - b, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये क्या, x^2 - 1, तो -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसे मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं आगे अगर मैं यहाँ पे ले जाके लिखूं तो ये हो जाएगा 3 दूसरा ब्रैकेट 5x^2 + 6 उसके बाद जो ये आ जाता है इसको मैं थोड़ा सा खोल लूंगा क्या, x + 1 और x - 1 कैसे लिख दूंगा इसको, इस वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, इससे ज्यादा ये नहीं टूट पाएगा। चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात करने पर प्रतिकारात्मक सूत्र लिखिए। अच्छा, इसका सूत्र लिखना है, इसका चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र लिखना है। तो जो आपकी किताब में है चक्रवर्ती ब्याज लिखा हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट में, ये चक्रवर्ती ब्याज की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, चक्रवर्ती मिश्रधन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चक्रवर्ती मिश्रधन तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल 1/r/100 / n। अब ये क्या है, दो नंबर का है, इसमें ये भी बताना है कि कौन क्या क्या है।
ठीक है, इसको हम ए लिख सकते हैं, ए बराबर ये होता है, तो ए का मतलब हो गया चक्रवर्ती मिश्रधन। पी क्या हो गया इसमें, मूलधन, मूलधन हो गया। और आर क्या हो गया, जो दर जिस दर से ब्याज लिया जा रहा है, तो ये हो गया दर। और ये जो एन है ये हो गया समय, ये आपको लिखना था और यहाँ हो जाएगा। इसमें क्या है, ये चक्रवर्ती मिश्रधन है, आपकी किताब में यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज लिखा हुआ है, तो जो ब्याज लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। नौवां सवाल, 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, तो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मतलब पी दिया हुआ है 400 रुपए दिया हुआ है मूलधन। उसके बाद वो क्या कह रहा है, दर दी हुई है 5% की दर दी हुई है, और समय दिया हुआ है, मतलब कि एन दिया हुआ है इन्होंने 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फॉर्मूला होता है, जो इससे पहले मैंने बताया था, वो चक्रवृद्धि मिश्रधन का था। तो अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटाते तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। कैसे, देखो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि मिश्रधन मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिख लेते हैं सीआई या इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन का हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही लगाया था, क्या था, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, एन हो गया समय। इसमें से हमें मूलधन घटाना है, मतलब पी घटाना है। तो चलिए लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 400, तो मैंने लिख लिया 400। 1 प्लस दर कितनी दी हुई है, दर दी हुई है 5% की, तो मैंने यहाँ लिख लिया 5/100 है यहाँ पे। बटे समय दिया हुआ है 2 साल का, समय दिया हुआ है 2 साल का, यहाँ लिख लिया। और माइनस करना है मूलधन, मतलब 400। इसे अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो 400 कैसे ऐसे ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 100 + 5 = 105/100 / 2 -400। इसे काट लेंगे तो आ जाएगा 21/20। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 400 × 21/20, और इसकी पावर 2 है तो हम 2 बार लिख लेंगे, 21/20 2 बार लिख लिया। ठीक है, और क्या है, अब ये अलग चीज है -400, इसमें बाद में करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे दोबारा से लिख दे रहा हूं, देखो 400 × 21/20 × 21/20 -400 ऐसे करना है। ठीक है, पहले ये सॉल्व करना है, जो आएगा उसमें से मूलधन 400 घटा देना। तो क्या करेंगे, 2 × 4 ये इससे कट जाएगा, तो 21 × 21 क्या होता है, 4×4 = 1 में से 400 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 41। तो 41 उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब क्या है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ₹5,000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये मिले, यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो। तो हमें क्या है, कितने पैसे जमा करें, जितने पैसे उसने जमा करे वो क्या हो गया हमारा मूलधन, मतलब मूलधन को हम लिख देंगे पी से, कितना हो गया 5,000। समय
समय मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो समय एन से लिखते हैं, एन हो गया यहाँ पे 2 साल 2 वर्ष। दर हो गई, यहाँ पे दर की बात करें तो मतलब आर, रेट हो गया यहाँ पे 8% का। तो हमें क्या बताना है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो उसका बताना है हमें। अच्छा, उसे 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो जितने पैसे मिलेंगे 2 साल बाद उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का मैंने फॉर्मूला बताया था, चक्रवृद्धि मिश्रधन को लिखते हैं ए, ए से डिनोट करते हैं उसे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस रेट बटे 100 की पावर समय मतलब एम। ए जो उसे बाद में मिलेगा पैसा बैंक में जमा करने के बाद ब्याज मिलने के बाद, वो हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ए बराबर ये मूलधन पी हो गया हमारे पास 5000, एक प्लस रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है उन्होंने 8% का, तो 8/100, समय दिया हुआ है उन्होंने 2 साल का, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2। इसे सोल्व करना है हमें, इसे सोल्व करने के बाद यहाँ पे मैं 5000 ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, 100 एकम 100 प्लस 8 108/100 की पावर 2। 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 पे, ये कट जाएगा 27 पे, तो हमारे पास क्या आ गया, 5000 × 27/25, और इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब हमें 2 बार लिखना पड़ेगा 27/25, हमने 2 बार लिख लिया। 25 × 50 तो यहाँ आ गया 200, फिर 25 से काटेंगे 25 × 8 = 200, तो ये आ गया 8। तो अब हमें क्या सोल्व करना है, 8 × 27 × 27, तो 27 × 27 8 × 27 × 27, तो 27 × 27 कितना हो जाता है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 27 × 27 कितना हो गया, 7 × 49 7 × 14 = 18 7 × 14 = 2 × 4 = 5 9 × 8 = 12 7 × 9 = 7 ठीक है, 7 × 9 27 का स्क्वायर हो गया। तो 7 × 9 अब ये क्या आ गया हमारे पास, 8 × 7 = 9 9 × 8 = 72 8 × 7 = 8 9 = 16 16 × 7 = 23 23 × 3 = 2 58। ये इतने पैसे उसे मिलेंगे, वो उसमें से ये कितना हो गया उसका मिश्रधन, मिश्रधन हो गया उसका 2 साल बाद। वो अगर वो पूछ लेता कि उसका ब्याज कितना होगा, तो ये हो गया मिश्रधन। इस मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा दें, मूलधन कितना था 5000, वो घटा देंगे तो इसका ब्याज भी निकल के आ जाएगा। सवाल में अगर वो ब्याज पूछ लेता है तो हमें उसमें से मूलधन घटाना है। तो मुझे लगता है कि अभी इस क्लास के लिए काफी हो गया, और अगर अभी भी आपके अंदर एनर्जी बची हुई है और आप अभी पढ़ सकते हो तो मेरी क्लास साइड में आ रही होगी, तो आप उस पर क्लिक करके अगली क्लास में पहुंच जाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।